good morning students welcome again in previous video we have done determination of sacrificing ratio and gaining ratio now in this video we will discuss about accounting for goodwill first of all what is the goodwill dear students goodwill is the reputation of any firm due to which a firm earns higher profit इन कंपेरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट अंड बाय दिमिलर फॉर्म्स यस स्टूडेंट्स गुडविल गुडविल इज द नेम ऑफ रेपुटेशन गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ एनी फॉर्म इन द रेपटेशन द अनदर नेम इज कॉल्ड गुड नेम यूडेंट्स क्वेश्चन आता है वट इज द गुडविल गुडविल क्या होती है स्टूडेंट्स गुडविल एक फॉर्म की रेपुटेशन होती है गुड नेम होता है फॉर्म की पब्लिसिटी होती है फॉर्म की प्रसिद्धि होती है, जिसकी हेल्प से एक फॉर्म दूसरे फॉर्म के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है हम उस फॉर्म को गुडविल कहते हैं राइट स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू बाय समीट एंड यू हैव टू ऑप्शन हल्दीराम शॉप एंड वन इज Ordinary show. Which will be the preferred? I think you will be preferred the Haldiram because Haldiram has a reputation, has the publicity in the market. Right, students? I hope you are clear. Next features of goodwill. First one is it is an intangible assets, Students, intangible. इन टिबल अर दोन नॉट सी एंड टच वी हैव डिस्कस इन द इलेवेंथ क्लास इनटेंजिबल अ स्टूडेंट इसको ना हम टच कर सकते हैं ना हम इसको छू सकते हैं एंड दे हैव नॉट फिजिकल एक्सिस्टेंस ये इनटेंजिबल फॉर स्टूडेंट नेक्स्ट इट इज द वैल्यूएबल अट्स यानी कि जो ये असेट इसकी वैल्यू होती है इसका कुछ ना कुछ मूल्य होता है नेक्स्ट इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट स्टूडेंट्स गुडविल इसी सेम टाइप का बिजनेस करने वाली दूसरी फॉर्म लाइक पैप्सिकोला एंड द कोका कोला कोका कोला एक कंपनी है पैप्सिको एक कंपनी है यानी कि दैट इज दिमिलर फॉर्म नेक्स्ट वन इट इज वेल्यूएबल ओनली वेन इंटायर बिजनेस इज सोल्व स्टूडेंट्स गुडविल को हम तभी वैल्यूएट कर सकते हैं तभी इसकी वैल्यू है तब हमें पूरा बिजनेस सोल्व करना हो यानी कि हम इसकी एक पार्ट में जो है वैल्यू नहीं कर सकते नेक्स्ट फ्रेंड्स नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी कि अब क्वेश्चन होता है कि हमें गुडविल की वैल्यू करने की नीड क्यों होती है फर्स्ट वन इज वेन देर इज चेंज इनिटर की जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं अगर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो हमें गुडविल का गुडविल की वैल्यू करने की नीड होती है नेक्स्ट वन वेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड अगर कोई नया पार्टनर हमारी फॉर्म में एडमिट होता है तो भी हमें गुडविल की वैल्यू करने की नीड होती है नेक्स्ट वन वेन अ पार्टनर इज रिटायर्ड और द डाइड इफ द एनी पार्टनर इज रिटायर इफ एनी पार्टनर इज डाइड फॉर द फॉर्म इट विल बी द नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नाउ वेन पार्टनरशिप सी फॉर्म इज सॉल्व अगर एक फर्म अपने बिजनेस को सोल्ड कर देती है दैट विल ऑल्सो बी नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वेन टू और मोर फॉर्म अमाइलमेंट अमाइलगेमेंट मीन फर्म को मर्ज करना अगर दो या दो से ज्यादा फॉर्म आपस में मर्ज हो जाती हैं तो भी हमें वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है गुडविल की स्टूडेंट्स नाउ द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट इज द बेसिक फॉर अदर चैप्टर्स स्टूडेंट्स गुडविल देर आर थ्री टाइप्स ऑफ गुडविल first one is average profit method next one is super profit method and capitalization method students average profit method also divided into two parts simple average profit and weighted average profit and capitalization method is also divided into two parts capitalization of average profit and capitalization of super profit clear students now we will discuss in video simple average profit Simple average profit. This is very simple and widely follows method of the valuation of goodwill. In this method, goodwill is calculated on the basis of number of past year profit. Average of such profit is multiplied by the agreed number, say the two or three years. Find the value of goodwill. Right, friends. इट मीन्स जो ये सिंपल एवरेज है स्टूडेंट्स दिस इज वेरी सिंपल मेथड ये बिल्कुल सिंपल मेथड है और इसके अंदर हम क्या करते हैं जितने पास्ट इयर्स के प्रॉफिट से टू और थ्री ईयर्स के जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं हम उनको एवरेज कर लेते हैं एवरेज मीन स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जितने भी प्रॉफिट होते हैं पिछले सालों के हम उनको प्रॉफिट को प्लस कर लेते हैं अगर लॉस गिवन है तो दैट दैट विल बी द डिडक्टेड राइट स्टूडेंट्स एंड जब वो एवरेज प्रॉफिट आता है तो हम उसको एक नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं नाउ द स्टूडेंट्स व्हाट इज द नंबर ऑफ परचेज ईयर ये नंबर ऑफ परचेज ईयर से हम मल्टीप्लाई बाय क्यों करते हैं स्टूडेंट इसका मतलब ये होता है जब कोई बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को परचेज करता है तो ये मानकर चला जाता है कि आने वाले कुछ समय तक जो फॉर्म पुरानी फॉर्म प्रॉफिट कमा रही थी तो नई फॉर्म उतने ही साल तक प्रॉफिट को अर्न करेगी जैसे सपोज करो स्टूडेंट्स, ए ने बी का बिजनेस परचेज कर लिया बी का बिजनेस बहुत अच्छा चला हुआ था उसकी कुछ गुडविल बनी हुई थी उसके कुछ परमानेंट कस्टमर थे तो ए उस फॉर्म को परचेज कर लेता है तो यह मानकर चला जाता है कि ए कुछ समय तक कुछ समय तक से टू ईयर थ्री ईयर फोर ईयर जितने भी ईयर क्वेश्चन में गिवन होंगे उस ईयर तक बी जितना प्रॉफिट कमाता था उतना तो वो प्रॉफिट कमाएगा ही राइट स्टूडेंट्स नंबर ऑफ परचेज इज गिवन इन देशन राइट स्टूडेंट बट जब हम एवरेज प्रोफिट कैलकुलेट करते हैं तो हमें कुछ फैक्टर्स याद रखने हैं यानी कि हमें नॉर्मल प्रोफिट ले लेना है फॉलोइंग फैक्टर शुड बी टेकन इंटू अकाउंटिंग वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस स्टूडेंट्स एबनॉर्मल लॉस जो लॉस नॉर्मल नहीं है यानी कि जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं लॉस बाय फायर है लॉस बाय है, ये एबनॉर्मल लॉस होते हैं स्टूडेंट्स ऑफ ईयर शुड बी एडिड बैक टू द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर यानी कि स्टूडेंट्स अगर किसी प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल लॉस दे रखे हैं तो हम उस प्रॉफिट को नॉर्मल करने के लिए उस एबनॉर्मल प्रॉफिट को एड कर लेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स को ही एवरेज मानते हैं हम ये मानकर चलते हैं कि जो एबनॉर्मल है वो आने वाले सालों में नहीं होगा जैसे सपोज करो स्टूडेंट्स हमें 2017 का रुपीज फिफ्टी थाउजेंड प्रॉफिट गिवन है और यह मानकर चला जाता है कि इसमें पिछले साल हमारी फैक्ट्री में आग लग गई थी और उस आग लगने के कारण हमारा टेन थाउजेंड रुपीज का जो गुड्स था जो माल था वो जलकर खराब हो गया था तो उससे क्या हुआ हुआ स्टूडेंट्स हमारे जो टेन थाउजेंड रुपीज थे वो हमारे प्रॉफिट में कम हो गए होंगे तो इसका मतलब हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट था वो सिक्सटी थाउजेंड था और उस सिक्सटी थाउजेंड में से हमारा दस हजार रुपये का जो माल था जो गुड्स थी वो आग लगने के कारण या चोरी हो जाने के कारण वो जो है हमारा नष्ट हो गया और इसने हमारे प्रॉफिट्स को कम कर दिया यानी कि स्टूडेंट्स हम ये मानकर चलते हैं जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं दैट विल नॉट हैपन इन एवरी ईयर यानी कि ये नहीं होता कि हमारी फैक्ट्री में हमारे जो गोदाम में है हर साल आग लगेगी और हमारा जो लॉस है वो हर साल होगा सेल abnormal gains. Abnormal gains, uh, कर दी थी और उससे हमें बीस हजार रुपए का प्रोफिट हो गया था तो ऐसा तो है नहीं कि हम हर साल अपने फिक्स असेट को सेल करेंगे और ये प्रॉफिट हो जाएगा तो दैट विल बी एबनॉर्मल गेन एंड दैट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रोफिट ऑफ दैट ईयर यानी कि जो रिलेटेड ईयर है उसमें से कोई भी एब नॉर्मल गेन होगा तो वो हम माइनस कर देंगे एक और एग्जाम्पल की याद से मैं स्टूडेंट समझाता हूं जैसे सपोज करो हमारी टू थाउजेंड एटीन का हमें रुपीज एटी थाउजेंड प्रोफिट दिया गया है और दैट विल बी इंक्लूडिंग द रुपीज फाइव थाउजेंड प्रोफिट विच इज गेन फ्रॉम द लॉटरी यानी कि बिजनेसमैन की कोई फाइव थाउजेंड रुपीज की लॉटरी लगी थी और उसका प्रॉफिट भी इसमें शामिल है बट इट इज नॉट पॉसिबल दैट विल बी हैपन ऑफ एवरी है रुपीज फाइव थाउजेंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दू थान एंड इट विल बी दिडर एट्टी थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड दैट इज सेवेंटी फाइव थाउजेंड ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट नेक्स्ट इन द सेम सिक्वेंस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी ऑल्सो डिडक्टेड Out of that profit year because it income is received from outside of the business, not of the it is income, not of the business. Right, students, dear students. With the help of this example, we can clarify of this topic. Suppose Aman purchase Bharat business with effect from first April two thousand twenty, and it was agreed that the firm goodwill will be valued at two year purchase, two year purchase. ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट थ्री ईयर प्रॉफिट ऑफ भारत बिजनेस एंड फॉलोस स्टूडेंट्स अमन जो है गुडविल भारत भारत पर्चे, जो होगी वो टू ईयर परचेज होगी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूज होता है टू ईयर एंड थ्री ईयर परचेज टू ईयर परचेज ऑफ द लास्ट थ्री ईयर प्रॉफिट यानी कि जो पिछले तीन सालों के प्रॉफिट है उनका एवरेज करके टू ईयर परचेज कर देना है स्टूडेंट्स

abnormal loss will be added back in rupees 1 lakh 10,000 rupees 2020 rupees 85,000 including non-business income. students non-business income means income from investment it will also deducted from out of profit. With the, uh, uh, is this solution here? ending 2018 2019 2020 20 and adjustment of this year 1 lakh rupees 10,000 abnormal gain abnormal gain it will be the deducted abnormal loss 20,000 in 2019 20,000 in 2019 abnormal loss abnormal loss will be the added back and rupees 5000 that is non business income that will be also deducted. It will be calculate the normal profit. It means students normal profit. Sorry, profit is given rupees one lakh, rupees one lakh ten thousand, rupees eighty-five thousand. One lakh plus minus nine ten thousand, ninety thousand, one ten plus twenty, one lakh thirty thousand. एटी फाइव प्लस फाइव नाइन्टी थाउजेंड दैट फाइंड आउट द एवरेज प्रोफिट एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रोफिट इज इक्वल टू एडिड बैक ऑफ द प्रोफिट इफ लॉस इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट विल बी डिडक्टेड तो ट्वेंट में टोटली प्रोफिट दिया गया है नाइन्टी थाउजेंड प्लस वन लैख थर्टी थाउजेंड प्लस नाइन्टी थाउजेंड एंड डिवाइड बाई Number of years that will be one, two, and three. Okay, students, 90,000 plus 130, 2,20,000 plus lakh uh, 20,000 plus 90,000. That is okay. Sorry, students, it was be deducted instead of the added. It was my mistake, and now will be the rectified. That is 80, student 80. 90000 130220 80 3 lakh divided by 3 it means rupees 1 lakh of the average profit and calculate the value of goodwill and our formula of to calculate the goodwill average profit into number of purchase year and average profit we have already find out rupees 1 lakh so that calculate of the goodwill goodwill is equal to we have already find out rupees one lakh and the number of purchase year that is given in the question two year purchase two year purchase so students rupees two lakh that will be the answer